हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट SAP 2000। बहुत कम लोगों ने सुना होगा SAP 2000। एक SAP कौन सा होता है जिसमें हम लोग मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, वो वाला नहीं। SAP 2000 जो CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो CSI का दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये है ETABS। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि CSI ETABS और CSI SAP के बारे में, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। कई लोग, आप लोग इंस्टीट्यूट्स पे जाते हो, वहाँ पे सोचते पूछते हो कि मुझे ETABS ज्वाइन करना है, या पूछते हो मुझे SAP ज्वाइन करना, तो बोलते जिसकी फैकल्टी उनके पास रहती है वो बता देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा, आप ये करो। बट सच्चाई ये नहीं, यहाँ पे फैकल्टी का कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्लियर क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो ETABS जो सॉफ्टवेयर है, ETABS सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करना चाहते हो। ETABS का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, ठीक है, और सॉरी बिल्डिंग एनालिसिस सिस्टम। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ETABS है, ETABS क्या करता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। बट इसके थ्रू अगर हम किसी कैनाल का डिज़ाइन करना चाहें, किसी ट्रस मेंबर के डिज़ाइन करना चाहें, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवन कैनाल वगैरह तो हम लोग नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं इससे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि कभी हमको डैम का डिज़ाइन करना हो, डैम भी इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जैसे रिजर्वायर का डिज़ाइन हुआ, डैम का हुआ, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग SAP 2000 को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, SAP 2000 बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और फंक्शंस लगभग दोनों का सेम है। बट इसमें क्या है ना कि कॉम्प्लिकेटेड ग्रिड्स है ना, तो SAP 2000 इजीली बना सकते हो, बट ETABS में कॉम्प्लिकेटेड ग्रिड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी सेल्फ लाइक हम लोग इसमें लोड वगैरह इसमें भी लगा सकते हैं, लोड वगैरह उसमें भी लगा सकते हैं, और प्रोसेस लेवल लगभग दोनों का सेम है। तो इसलिए मैं बोलूँगा जिसको ETABS आता है, या तो मेरे वीडियोस भी ETABS के हैं, अगर जिसको ETABS आता है वो अपना SAP 2000 के लिए ट्राई कर सकता है, और SAP 2000 का भी कर सकता है। आज बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंस आप लोगों तक शेयर करूँ। मैं इवनिंग वॉक पे आता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको SAP 2000 और ETABS के बारे में डिफरेंस बताता हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। जो मेन कॉम्प्लिकेशन ये है, फिर से बताना चाहूँगा, SAP 2000 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और ETABS जो है वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ETABS में एक अच्छी खासियत ये है कि ETABS में हम लोग बहुत क्विक काम कर सकते हैं, और डायनेमिक एनालिसिस बहुत ही इजीली हम लोग इसमें कर सकते हैं। और फाउंडेशन के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फाउंडेशन के लिए SAP, बहुत कम लोगों को सॉफ्टवेयर पता होता है कि किससे हम फाउंडेशन डिजाइन करें, SAP और स्टैटो फाउंडेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बताएंगे ऑटोकैड और स्केचअप के बीच में डिफरेंस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, शेयर करना, और जैसे आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, तो मैं और प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ। SAP पे प्रोजेक्ट करूँगा, ETABS पे प्रोजेक्ट करूँगा, प्रोजेक्ट करके प्रॉपर आपको दिखाने वाला हूँ। आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कई लोगों ने क्वेश्चन मुझे कमेंट भी किया है, आप भी कोई ना कोई कमेंट, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो कमेंट करिए, सो दैट मुझे पता चले कि किस टॉपिक के बारे में मुझे मार्केटिंग में आपके थ्रू आप तक पहुँचाना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोज़ बना के उस पर मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।